राजस्थान में आए दिन गहमा गहमी चलती रहती है। कभी पक्ष के नेता तंज कसते हैं तो कभी विपक्ष के। हमने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर आग उगली थी और कहा था कि जिस तरीके के हालात हैं अभी राजस्थान में उसको लेकर मंत्री जी अभी शायद एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अब फिर से गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया है, क्या है वो पूरा बयान बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान में एक सीनियर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने, अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ये बहुत अनयूजुअल है कि इतने लंबे समय तक इस बात को छुपाया गया कि इस्तीफा भी दिया गया है या नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को शायद खुद फैसला लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वो सुझाव दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री लॉटरी निकाल कर तय कर लें कि इस्तीफा स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। डोटासरा का कहना है कि यह सब बताता है कि सरकार में लीडरशिप की कमी है। जब मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री के बारे में फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो सरकार कैसे चलेगी, ये पूरे प्रदेश की गवर्नेंस पर सवाल उठाता है। डोटासरा ने राजीव गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। इसके विपरीत आज की केंद्र सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है और देश में अस्थिरता फैला रही है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वे देश को धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति कर रहे हैं। डोटासरा का कहना है कि देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। इस तरह से डोटासरा ने राज्य और केंद्र की सरकारों की कमियों पर जोर दिया और राजीव गांधी के समय की सकारात्मक पहल की भी तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी काफी तंज कसे थे और कहा था कि किस तरीके से चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, इन सब में सरकार जो काम कर रही है वो बेहद अपमानजनक है। और जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं राजस्थान में, पानी की समस्या है, बाढ़ आ जा रही है, पर इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।